नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। अशोकनगर की कृषि उपज मंडी में हम मौजूद हैं इस समय, और हमारे साथ गौरव जैन जी हैं। इनसे चना के बारे में जानेंगे। चना पर विशेष चर्चा होगी, इस समय कितनी आवक हो रही है और आगामी समय में चना का भविष्य क्या कहता है, कितने दाम जाएंगे इसके। गौरव जी, पहले तो आपका मार्केट टाइम्स टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चना की वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है? चना वर्तमान में अभी 6000 से 6500 के आसपास चल रहा है, लगभग जिले की एमपी की पूरी मंडियों में। और जो चने के दाम हैं वो पूरी तरीके सरकार पे निर्भर करते हैं कि सरकार आगे चल के इस पर क्या डिसीजन लेती है, इन भावों को क्या बोलती है, उसको ये उचित लग रहा है भाव या नहीं लग रहा है। सरकार पे ही चना इस साल कुछ भी बिक सकता है। चना ये 65 है, ये 85-95 से बिक सकता है, लेकिन सिर्फ सरकार की पॉलिसी पर डिपेंड करता है चने का भविष्य। क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बाद शिपमेंट आते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो वो उस टाइम क्या पड़ताल पे, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी 66% है, अगर 66% बोले तो वो चना भी आके पड़ेगा लगभग 10,000 के आसपास। अगर वो ड्यूटी जीरो कर देती है उस टाइम पे तो चना 6,000 के आसपास आ जाएगा। तो उससे लगता है कि सरकार की जो पॉलिसी रही उसी पे चने का भविष्य है। वर्तमान समय में चने की क्या स्थिति, कितनी आवक हो रही है, क्या वर्तमान समय में लगभग एमपी की मंडियों में, जैसे अशोकनगर बहुत बड़ी मंडी मानी जाती है, लेकिन अभी 1.5 से 2 हज़ार बोरी इससे ज़्यादा की आवक बढ़ नहीं पाई है। वर्तमान स्थिति में बासोदा भी 7-8 हज़ार बोरी चल रही है, और वहाँ बासोदा 10,000 चल रही है। तो ये आवक जैसे ही घटेंगी तो चने में 500 रुपये की वृद्धि और हो सकती है अभी इन भावों से लेके। मतलब क्या उम्मीद है बढ़ने घटने की? क्या अभी बढ़ने की उम्मीद है, घटने का कोई आसार नहीं। घटेंगे तो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी शादी के सीजन निपट चुके हैं लगभग, तो मई में या तो ठहराव आएगा या इसमें 200-300 रुपये जा भी सकते हैं और 200-300 रुपये बढ़ भी सकते हैं। मतलब रेंज बाउंड के आसपास नहीं जा सकता, घटने बढ़ने की कोई स्थिति अभी इसमें 200-300 रुपये बढ़ भी सकते हैं और स्टेबल भी रह सकता है और 200-300 रुपये निकाल भी सकते हैं। ये अब डिमांड सप्लाई पर निर्भर करेगा। स्टॉक इस ट्रेन से बाहर हो चुका है लगभग, स्टॉक में नहीं है। ये आवक के बारे में क्या कहेंगे? आवक घटेगी क्योंकि किसानों की लगभग पूर्ति हो चुकी है हर चीज़ को। मिला अपन देखे जाए तो शादी वगैरह जो किसान की मूल जरूरतें होती हैं वो निपट चुकी हैं। अच्छा, इस बार किसानों के पास उत्पादन कैसा हुआ है चना का? उत्पादन पिछले बार के मुकाबले बराबर ही हुआ है, थोड़ा कम ही हुआ है। यील्ड कम आई है, बोनी उसी की उतनी की उतनी हुई थी जितनी पिछले साल हुई थी, लेकिन यील्ड इस बार ओले की मार से थोड़ी यील्ड कम आई है, और पूरे राज्यों में भी 25-30% चना शॉर्ट में है इसी कारण से। तो फिर इसके बढ़ने की उम्मीद नहीं है, जैसे शॉर्टेज है तो जी सब नहीं, शॉर्टेज है लेकिन डिमांड भी तो होनी चाहिए किसी चीज़ की। आपको भूख होगी जब तो आप लोगे, तो वही चीज़ है चने के साथ। अब स्टॉकिस्ट बाहर है, अब जरूरत जिसको होगी वो चना लेगा, अब जरूरत डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती है। आपका क्या कहना है, क्या स्थिति रहने वाली है? जो गौरव जी ने कहा बिल्कुल सही कहा,